Hi everyone. Now we are going to learn about part of a speech. Part of a speech is really very important to learn to speak correct English and express our view in a better way. A speech ka matlab hota hai to speak, bolna, to express about anything. Kisi bhi cheez ke bare mein bolne ko speech karte hain. Speech ko kai bhagon mein baata gaya hai, use part of a speech karte hain. पार्ट ऑफ स्पीच को आठ भागों में बांटा गया है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग और ही, सी, दे, एटसेट्रा. एग्जांपल, कैट, बॉय, बॉक्सेस, एटसेट्रा. नाउन किसी भी वस्तु या चीज के नाम को नाउन कहते हैं, अथवा यह, वह, दे सभी नाउन में आते हैं. उदाहरण में लेते हैं, गाय, बैल, बिल्ली, ये सब नाउन हुए. किसी भी नाम को नाउन कहेंगे. प्रोनाउन, एनीथिंग यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. कोई भी चीज जो नाउन के जगह पर यूज होगा उसे प्रोनाउन कहेंगे. एग्जांपल में दिस, दैट, दिस, दोस, बोथ, सम, विच, आइदर, एटसेट्रा. या, वह, ये सब, वे सब, दोनों, कुछ, जो, ये, जो भी यूज होगा नाउन की जगह पर उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. एडजेक्टिव, ए वर्ड एक्सप्लेन मोर अबाउट नाउन. ऐसे शब्द जो नाउन को विस्तार रूप में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. जैसे मैं उदाहरण में है, फास्ट, इजी, माई, योर, सम, एटसेट्रा, इसे एडजेक्टिव कहेंगे. हम लोग एक उदाहरण से इसे समझेंगे. द पार्क इज ब्यूटिफुली लेड आउट. यहां पार्क नाउन है, ब्यूटिफुली एडजेक्टिव है. दूसरा सेंटेंस, इट इज ब्यूटिफुली सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सिटी. इट यहां प्रोनाउन है. पार्क की जगह पर जो नाउन है उसकी जगह पर इट आया है, इसे प्रोनाउन कहेंगे. इट इज ए ब्यूटिफुली सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सिटी. ब्यूटिफुली यहां एडजेक्टिव है, ये नाउन के बारे में विस्तार रूप से बता रहा है, तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे. एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. एडजेक्टिव वैसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को विस्तार रूप में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं. कुछ उदाहरण हम लेंगे. यहां पर वी लिव इन ए ब्यूटिफुल हाउस, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है. दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट. यह फूल ज्यादा खूबसूरत है उससे. मोर ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है यहां. ही इज टॉलर देन मिस्टर श्याम. वह लंबा है मिस्टर श्याम से. टॉलर यहां एडजेक्टिव है. न्यू हाउस इज बिगर देन ओल्ड वन. नया घर बड़ा है पुराने वाले से. बिगर यहां एडजेक्टिव हुआ. डॉक्टर इज वेरी लेट. डॉक्टर बहुत लेट है. वेरी लेट एडजेक्टिव है. द किड आर रेडी टू गो. बच्चे जाने के लिए तैयार है. रेडी टू गो एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताते हैं या उसे विस्तार रूप में बताते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. भर, अ वर्ड इंडिकेट समथिंग हैपेंस. ऐसे शब्द जो इंडिकेट करते हैं क्रिया को, काम को. जैसे मैं उदाहरण, हंसना, खेलना, गाना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है और इसे हम भर्ब कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं प्ले, टॉक, टेक, स्पीक, ये सब कुछ उदाहरण है. एडवर्ब इज अ वर्ड एड्स अ डिग्री टू ए वर्ब. ऐसे शब्द जो वर्ब के एक्सप्रेस करता हो, जो वर्ब को एक्सप्रेस करता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं. इसे कुछ एग्जांपल हैं, स्लोली, हैप्पीली, ब्यूटिफुल्ली. कुछ विस्तार से हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे. वी विल सी फ्यू एग्जांपल. सी पास द एग्जाम इजिली. वह
एग्जाम आसानी से पास कर गई, इजिली यहां एडवर्ब है। दे वॉक क्विकली टू कैच ट्रेन, वे बहुत तेजी से चले ट्रेन को पकड़ने के लिए, क्विकली यहां पर एडवर्ब है। द डिनर पार्टी वेंट बैडली, डिनर पार्टी बहुत बुरा हुआ। जॉन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, जॉन क्वेश्चन का आंसर दिया, आंसर सही दिया, करेक्टली यहां पर एडवर्ब हो गया। बॉय हैड वर्क हार्ड, लड़के मेहनत कड़ी मेहनत किए, यहां पर कड़ी एडवर्ब हो गया। जूली डांस वेल, जूली अच्छा डांस की, वेल यहां पर एडवर्ब हो गया। जॉन इज मूविंग फार अवे, जॉन दूर जा रहा है, फार अवे एडवर्ब हो गया। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन। प्रीपोजिशन वैसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसके जगह और समय की दिशा को बतलाता हो। एग्जाम्पल में एट, इन, विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, इनटू, अंडर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब हम सेंटेंस में इसे यूज करके देखेंगे और क्लियरिटी लेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के पहले में आएगा। पहला, माय डॉक्टर सेड आई विल सी यू एट 3 o'clock। जब भी समय बताया जाए, समय मतलब टाइम, मिनट, सेकेंड, आवर्स, तो वहां एट का प्रयोग करेंगे। माय डॉक्टर सेड आई विल सी यू एट 3 o'clock, यहां पर टाइम आया तो एट का प्रयोग हुआ। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924, जब ईयर और मंथ की बात होगा तो हम वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। पहला ओलंपिक गेम 1924 में खेला गया तो इनका प्रयोग आया, ये प्रीपोजिशन है। इंग्लिश एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन मंडे, जब समय वीक, जब वीक की बात आएगी और डे की बात आएगी तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। इंग्लिश एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन मंडे, यहां दिन की चर्चा हो रही है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम इन अगस्त, मंथ की बात हो रही है तो इनका प्रयोग करेंगे। द कॉलेज विल बी रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, यहां दिन की बात हुई तो हम लोग ऑन का प्रयोग किए। क्रिकेट मैच विल बी स्टार्टेड एट 3 p.m. यहां समय की चर्चा हुई तो हम लोग एट का प्रयोग किए। रिलायंस लॉन्च्ड जियो सिम ऑन 27 दिसंबर 2015, यहां पर ईयर है, इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ईयर से पहले दिसंबर आया है मंथ और डे आया है 27, इसलिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन 27 दिसंबर 2015 ही सैट ऑन द चेयर। ऑन, जब किसी सत्ता के ऊपर में कोई भी वस्तु स्थापित होगा तो हम उसे ऑन से इंडिकेट करेंगे। ही सेट ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, कुछ दूध है फ्रिज के अंदर। जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर में होगा तो हम उसे इनका प्रयोग करेंगे। नटशेल में एट का प्रयोग समय के लिए होता है, सेकेंड्स रहे, मिनट्स रहे, आवर्स रहे तो एट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करना रहे तभी हम एट का प्रयोग करेंगे। ऑन, डे, डेट और किसी सरफेस पर अगर कोई वस्तु रहे तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग मंथ और ईयर में करेंगे। इसके अलावा कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु के अंदर में रहेगा, इनसाइड में रहेगा, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। नाउ फ्यू मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ए बेटर अबाउट प्रीपोजिशन। सी वॉज
हाइडिंग अंडर द टेबल, वह टेबल के नीचे छिपी हुई है, अंडर का प्रयोग हुआ, अंडर प्रीपोजिशन है। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे रहती है तो उसे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, वह पुल के ऊपर से गुजरा। जब कोई वस्तु किसी ऊपर वस्तु से गुजरता है तब हम ओवर का यूज करते हैं। सी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, वह अपना अंगूठी समुद्र के किनारे एक बीच पर खो गई। तो पर्टिकुलर जगह के लिए एट का प्रयोग हुआ। द बुक बिलोंग्स टू एंथोनी, ये पर्टिकुलर बुक एंथोनी का है, तो टू का प्रयोग हुआ। आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम अ फ्रेंड, मुझे एक पैकेज दोस्त से मिला, तो फ्रॉम का यूज हुआ। द सन इज अबव द क्लाउड, सन सूर्य बादल से ऊपर है, तो अबव का यूज हुआ। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से ऊपर है तब हम अबव का यूज करते हैं। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट, मैं उतरा रास्ते से। जब किसी रास्ते से नीचे उतरना होता है तो हम डाउन का प्रयोग करते हैं। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट। कार वेंट थ्रू द टनल, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बीच से होकर गुजरती हो तो हम थ्रो का यूज करते हैं। कार वेंट थ्रू द टनल। आई हैव लाइक दिस सॉन्ग सिंस 1999, मैं इस गाने को 99 से पसंद करता आ रहा हूं। तब हम यहां सिंस का प्रयोग करेंगे, पर्टिकुलर टाइम को सिंस से इंडिकेट करेंगे। अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को या पीरियड ऑफ टाइम को बताता, लास्ट टू ईयर अगर लिखा रहता 1999 के जगह पर, तो हम फोर का प्रयोग करते। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, किसी समय में एक सुंदर राजकुमारी रहा करती थी। कि ये प्रीपोजिशन का यूज होगा अपॉन। इट इज अप टू अस टू फाइंड द आंसर, ये हम लोगों के ऊपर में है सही जवाब खोजने का। तो अप टू का यूज एज ए हम लोग प्रीपोजिशन में किए हैं। प्रीपोजिशन में अप टू को डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। कंजक्शन, अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, एग्जाम्पल एंड, बट और, येट एटसेट्रा। कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्द हो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने में उपयोग होता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे मैं और, यदि, लेकिन, ऐसे शब्दों को कंजक्शन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, यू एंड आई वर्क टूगेदर, तुम और मैं साथ में काम करेंगे, एंड यहां पर कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज ए एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, एग्जाम्पल हुर्रे, आह, अल्लाह, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक्सक्लामेटरी वर्ड की तरह यूज होते हैं, एक एक्साइटमेंट की तरह यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, हुर्रे आई ऑन द मैच, मैं मैच जीत गया, यहां पर हुर्रे इंटरजेक्शन है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम बार बार रिवीजन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हम इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे हम सही तरीके से अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान से बार बार देखें और पढ़ें।